आखिर इस पिक को क्यों हैंग किया गया और एक ऐसा गेम जो यूरोप में जानवरों के साथ खेला जाता था। क्या आपको पता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? हेलो गाइस, 1386 में फ्रांस में एक अजीब घटना हुई, देखते हैं यह क्या थी। पेरिस के पास एक क्वान टाउन, इस समय अलग ही प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। ये एक पिग है इस कोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के ट्रायल के दौरान यह घुस गया होगा, पर नहीं, यह ट्रायल इस पिग पर ही चल रहा था। पर ऐसा क्या किया था इस पिग ने? इस पिग ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था, इसलिए इसका यहाँ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसे थोड़ा और डीप में समझने के लिए मेडिवल यूरोप में चलते हैं। इसमें कुछ बार एनिमल पे ट्रायल चलते थे और कई कई एग्जीक्यूशन भी। 1386 में इस पिग पे ट्रायल में इस पे सभी चार्जेस पड़े गए और विटनेस भी थे। और मोर शॉकिंग बात, इस पिग का एक कानूनी डिफेंडर भी नियुक्त किया गया और गांव ने इसके खिलाफ गवाही भी दी। बाद में इस पिग को क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया गया और हैंगिंग की सजा सुना दी। आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या यह ठीक था? आर यू ओके? Don't touch me with your hands. Okay, are you okay? क्या आपको पता है कि दुनिया के किस कंट्री में सबसे ज्यादा पेड़ है? सोचो, ये कंट्री है रशिया। जो लोग यूएसए से देख रहे हैं वे थोड़े एंग्री हुए होंगे। रशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, 815 मिलियन हेक्टेयर है। हेक्टेयर आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, 1 हेक्टेयर वह एरिया होता है एक स्क्वेयर जिसकी साइड 100 हो, तो इसका जो एरिया आएगा वह 100 × 100 मीटर या 1 हेक्टेयर है। तो रशिया में 815 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरियाज हैं। ये रशिया का 49% हिस्सा है। इंडिया में कितना फॉरेस्ट एरियाज है? इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिसमें ट्रीज लगे हुए हैं। जो इंडिया में टोटल एरिया है उसका 24.62% है। My tongue looking for popcorn stuck in my teeth. My fingers doing the same work. मिथ वर्सेस रियलिटी। जो लाइटिंग होती है वह एक प्लेस पे एक से ज्यादा बार स्ट्राइक नहीं करती है। एक्चुअली ये भी मिथ है। लाइटिंग एक ही जगह पे एक या एक से अधिक बार स्ट्राइक कर सकती है। जो लाइटनिंग होती है वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। ये लाइटनिंग ऐसा रास्ता ढूंढती है जहाँ से ग्राउंड तक जाने में कम से कम बाधा पैदा हो। इसलिए कोई टोल ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यदि कोई ऐसी जगह है जिसमें सभी विशेषताएं हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए, तो वहाँ बहुत बार लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। जैसे कोई एक बड़ा ट्री है किसी खुली जगह पर और उसके आसपास कोई चीज नहीं है उसके जितनी ऊंची है, तो किसी तूफान में इस पेड़ पे बिजली गिरने के ज्यादा चांस है। और फिर से कोई स्ट्रोम आया आसपास, फिर से ये ही ट्री टोल है, तो फिर से इस पे इलेक्ट्रिसिटी के गिरने के चांस है। तो लाइटनिंग एक जगह पे एक से ज्यादा बार गिर सकती है। When teacher catches you cheating and you pretend everything is normal. एक ऐसा क्रूल गेम जो यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेला जाता था। ये खेल था जानवरों को हवा में 15 से 20 फीट फेंकने का। जो ज्यादा ऊपर फेंकता था वह विनर होता था। यह गेम फॉक्स टॉसिंग था, खून का खेल भी इसे कह सकते हैं। इस गेम को एक क्लोज्ड एरिना में खेला जाता था, खुले में खेला ही नहीं जा सकता था क्योंकि जानवर भाग जाएंगे। यह किसी कैसल के कोर्टयार्ड कैनवास को लगाकर खेलते थे किसी ओपन एरियाज में। इसमें दो पर्सन एक दूसरे से ऐसे 20 से 25 फीट दूर खड़े हो जाते थे। ये पर्सन अपने हाथों में एक स्लिंग को पकड़ते थे। ये कुछ क्लोथ टाइप होता था जिसे जानवरों को हवा में उछाला जाता था। ये ऐसे सभी इसे धरती पे पहले गिरा कर रखते थे। जानवरों को पहले ऐसे पिंजरों में बंद रखा जाता था, फिर इस पिंजरों से इस फॉक्स को छोड़ दिया जाता था। जैसे इस पिंजरे से निकलती थी ये दौड़ने लग जाती थी। जैसे ये स्लिंग के पास आती ये पर्सन उन्हें उछालने के लिए रेडी हो जाते। फॉक्स के इस स्लिंग को क्रॉस करते समय ये इसे दोनों तरफ से जोर से खींचते थे जिससे जानवर हवा में बहुत ऊपर तक चला जाता था। इतनी ऊपर से गिरने पे इसे चोट तो आएगी ही। जब वह फिर से ऐसे दौड़ने लगते तो फिर से उन्हें ऊपर उछाला जाता था। जो सबसे ऊपर ऐसे फॉक्सेज को उछालते थे वे इस गेम को जीत जाते थे। ये विनर्स ऐसे जानवरों को 20 से 25 फीट तक जानवरों को ऊपर उछालते थे। ये गेम कपल के लिए ज्यादा पॉपुलर था। लोगों के लिए यह एक एंटरटेनमेंट था, कौन सा कपल ज्यादा ऊपर फॉक्स को टॉस करेगा। इस गेम में केवल फॉक्सेज को टॉस नहीं किया जाता, इसके अलावा बोर्स यानी पिग्स जो जंगली होते थे या मेल पिग्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, और वोल्व्स और वाइल्ड कैट्स को भी टॉस किया जाता था। फॉक्स टॉसिंग और अन्य टॉसिंग में जानवरों को बहुत इंजरी होती थी, जबकि कैट्स टॉसिंग में ऐसा नहीं था। जो कैट्स को टॉस करते थे बहुत बार कैट्स उन्हें काट लेती थी, और जब ये स्लिंग से इन्हें ऊपर उछालते थे
ये अपने पंजे से इंसलिंग को पकड़ लेती थी, तो कैट्स को टॉस करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। ये गेम रॉयल लोगों में ज्यादा पॉपुलर था। ये पहले के जो ज्यादा रिच लोग थे अलग अलग टाइप की गेम खेलते थे, लेकिन आज के समय में इसे बहुत क्यूल माना जाता है। लोगों में जानवरों के प्रति केयर की भावना बढ़ चुकी है।